गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट गार्डन ओवरव्यू का। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये है आपके सामने मेरा हिबिस्कस का प्लांट, ये डबल में है और इस पर आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी अच्छे से हो रही है। और ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है और इस पर फ्लावरिंग और बर्ड खूब सारे आए हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आता है ये एरोकेरिया, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये मोगरा पे भी काफ़ी फूल आए हुए हैं। और ये है मेरा बड़ा प्लांट चांदनी का, ये तुलसी, और दोस्तों ये है येलो कलर का अलमांडा, इस पर भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों, ये है नींबू का पौधा जिस पर खूब सारे नींबू ही नींबू लगे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम नींबू का सीज़न है और ये नींबू बहुत ही ज़बरदस्त यील्ड के साथ मुझे दे रहा है। यह दोस्तों बेल का ट्री, जिसे बेल पत्थर भी बोलते हैं, जिसका जूस भी बना के पीते हैं और वैसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं। और दोस्तों, ये है भिंडी और लौकी, तोरई और ये सब्जियां उगा रखी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां ग्रो होती हैं। और ये है दोस्तों मेरा किन्नू का ट्री, ये ऑरेंज की ही एक वैरायटी होती है। देखिए इस पे कितने सारे जो किन्नू हैं वो लगे हुए हैं। और सर्दियों में ये, जैसे सर्दियां स्टार्ट होंगी, ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इसमें किन्नू ही किन्नू बहुत ही ज़बरदस्त लगे हुए हैं। और दोस्तों, इनका लगने का कारण ये होता है कि जैसे नीचे से गुड़ाई करना, इनकी टाइम पर गुड़ाई होती रहे। और इसमें दोस्तों क्या करना होता है कि जैसे अगर मैं इसमें ओवर वाटरिंग इस टाइम कर दूं तो सारा फल ख़राब हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों वाटरिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है, कम वाटरिंग के साथ ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। और दोस्तों, ये जो तोड़ के फेंका हुआ है, ये फेंक दिया बंदर ने, तो इसमें से बंदर भी तोड़ते रहते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें किन्नू ही किन्नू लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये सब्जियों का सेक्शन है सारा, यहाँ पर मैं ज़्यादातर सब्जियाँ ही ग्रो करता हूँ। और ये है दोस्तों गुलमोहर का ट्री, काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये दोबारा फिर एक दूसरा बेल का ट्री आ गया। और ये है दोस्तों मौसमी का पेड़, इस पे ये मौसमियाँ लगी हुई हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 5 फीट का प्लांट होगा और इस पे काफ़ी मौसमी लगी हुई है, कुछ बंदरों ने तोड़कर फेंक दी। तो दोस्तों चल दिए दूसरे उसमें लेके चलता हूँ आपको गार्डन में। ये है दोस्तों मेरे भिंडी के पेड़ जो काफ़ी बड़े बड़े हो गए, लगभग इनमें प्लांट काफ़ी जाए। ये देखिए दोस्तों, जो यहाँ तक आया हुआ है वहाँ से, इसकी हाइट लगभग 8 से 10 फीट होगी। और दोस्तों, इसमें मैंने कुछ नए प्लांट भी ऐड किए हैं। ये है दोस्तों तेज़ पत्ते का ट्री जो अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बाद में इनके ऊपर वीडियो भी लेकर आऊँगा। और यह है दोस्तों रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का पेड़ है, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये है दोस्तों लौंग का ट्री,
इसके पत्ते में से दोस्तों लौंग जैसी खुशबू आती है, जैसे कि जैसी खुशबू लौंग में से आती है वैसी इसी में से आती है। और दोस्तों ये न्यू लीफ आना स्टार्ट हो गई है मेरे नींबू के पेड़ पर। ये दोस्तों कागजी नींबू है और ये लौकी लगी हुई है गोल वाली, और ये है दोस्तों कटल का ट्री। ये ग्राफ्टेड था, मैंने इसको ग्राउंड में लगाया हुआ है। ये अभी नेक्स्ट ईयर से शायद फ्रूटिंग भी स्टार्ट कर दे। और दोस्तों इस पे जो फ्रूट हैं वो भी आना स्टार्ट हो गए हैं खूब सारे। और इस पे दोस्तों जो फ्रूट आते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है और तीसरा फिर यहाँ पर है, यानी कि फ्रूटिंग के मामले में हाइब्रिड सीड काफ़ी अच्छे होते हैं। और देखिए दोस्तों, दो यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और ये है दोस्तों लंबे वाली बोटल गार्ड, ये देखिए काफ़ी सारी इसमें लगी हुई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी। तो दोस्तों ये मेरा जो गार्डन ओवरव्यू है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्लांट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।